अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल ज़रदा। ये थोड़ी डिफरेंट डिश है, ट्रेडिशनल है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इसमें मेन चीज़ है पाइनएप्पल। 1 कप हमें पाइनएप्पल चाहिए। इसके अलावा राइस हैं भिगोए हुए, 1.5 कप मैंने लिए हैं। सेम इसी क्वान्टिटी में मैंने लिए शुगर। अगर 1 कप आप राइस ले रहे हैं और 1 कप ही शुगर लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए ज़रदा कलर, थोड़ा सा सॉल्ट, पाइनएप्पल एसन और लेमन जूस। इसके अलावा क्रश्ड कोकोनट है। ये सारी गार्निशिंग में आएंगी चीज़ें। और ये किशमिश, काजू, बादाम और ये इलायची और लौंग है। 3 इलायची 3 लौंग। ये ड्रेसिंग के लिए हैं, जितना भी आप यूज़ करना चाहें। ये मुरब्बे और चेरी है। ये पानी बॉयल हो रहा है, अब हम इसमें सॉल्ट और येलो कलर ऐड करेंगे। येलो कलर हम 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून ही लेमन जूस। इसके साथ ही हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। अब दूसरी तरफ हम जो है ये 2 टेबल स्पून देसी घी लिए। इसमें हम ये इलायची और लौंग को अच्छी तरह कड़कड़ा लेंगे। इसके साथ ही हम अब काजू और बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस रोस्ट करना। और इसमें आप नारियल को भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपने खुद से क्रश किया। अगर मार्केट से श्रेड हुआ लिया है तो उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस होता है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। किशमिश को हम अलग-अलग से फ्राई करेंगे। ये हमने गोल्डन कर लिया, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी आयल में हम किशमिश को, जो हमने साफ करके रखी हुई है, फ्राई कर लेंगे। और साथ ही हम थोड़ा अपना ज़रदा भी चेक कर लें कि वो किस कंडीशन में। अभी ये देखें, बहुत अच्छे से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये भी हम इसको बॉयल करेंगे तकरीबन फुल, हल्की सी कनी रहने देंगे। जैसे बिरयानी का होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने कुक करना है। ये देखिए, ये हमने फ्राई करके निकाल रहे हैं। नहीं, चावल रेडी हो गए हैं, अब हम इनका पानी निकाल लेंगे। अब हम पैन में राइस की और चीनी की लेयरिंग करेंगे। एक लेयर हमने राइस की ले आई, इसके ऊपर हम चीनी की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर दोबारा हम राइस की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम दोबारा चीनी की लेयर लगाएंगे। और इसके ऊपर पाइनएप्पल। और थोड़ा पाइनएप्पल एसेंस। इसको अब हम दम दे देंगे। और 5 मिनट तक हम बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम देंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। अभी हम लिड को हटा के थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि इसमें कितना पानी है। फिर देखिए, अभी चीनी ने अपना डिसॉल्व हो गई है इसमें, उसने पानी छोड़ दिया है।
अब इसको हम एक दफ़ा हिला लेंगे ताकि पाइनएप्पल भी नीचे चला जाए और चीनी मिक्स हो जाए सब में, और साथ ही हम थोड़े से नट्स भी ऐड कर देंगे इस टाइम पे, और बाकी जो है ऊपर हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अभी थोड़ी देर हम ढक्कन हटा के इसका पानी खुश करेंगे, क्योंकि चीनी का इसमें काफ़ी पानी है और सिर्फ हमने एक कनी चावल रखे थे। ये पानी खुश करके फिर हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे। अभी देखें ये बहुत ही अच्छे से पानी इसका खुश्क हो गया और बहुत ज़बरदस्त राइस तैयार हो गई है, देखें बिल्कुल अलहदा अलहदा। अब इसको गार्निश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप ट्राई करें, अगर आपको अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मेरी हौसला अफजाई होगी तो मैं मज़ीद अच्छी डिशेज लेके आपके लिए हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।